अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट तैमूर बलोच और आप देख रहे हैं बाइक्स टेक्निकल गुरु। यहां मैं आपके साथ मौजूद हूं एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा नीडल्स की टिप कि नीडल्स से आप अपने बाइक को कैसे फास्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका बाइक, अगर आप किसी भी मतलब के एरियाज ऐसे एरियाज में रहते हैं कि जहाँ पर हिल्स वगैरह हैं और वहाँ पर आपका बाइक जो है वो नॉर्मल बाइक नहीं जा पाता, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे जो है वो उसको सर्च आउट कर सकते हैं और इसमें आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे तो उससे आपका बाइक जो है वो परफेक्ट होगा और अच्छी जो है उसमें मॉडिफिकेशन होगी और अच्छा जो है उसमें पिकअप होगी और बूस्ट अप होगी। तो वो कुछ नीडल्स के टिप हैं, तो चलिए मैं नीडल्स की टिप आपको बताता हूँ। नीडल्स की टिप को स्टार्ट करने से सबसे पहले मेरी जो रिक्वेस्ट है, न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको मैं बहुत सी मुफीद वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड होती हैं और आपको काफ़ी उससे फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि जैसे कि आपको ये स्प्रिंग नज़र आ रहा है नीडल का, इस स्प्रिंग को आपने एक हाथ से इसको पकड़ना है, दूसरे हाथ से आपने स्प्रिंग को बाहर निकालना है। स्प्रिंग को बाहर निकाल के आपने सिंपली ये जो आपकी नीडल के साथ ऊपर ये जो पॉइंट है, ये आपकी केबल है, ये आपकी केबल नज़र आ रही होगी। इस केबल को आपने नीचे पुश करके यहाँ से वापस निकाल के ऊपर से आपने ये जो सुराख है इससे बाहर निकाल लेना है और ये नीडल अलग हो जाएगी। चलिए मैं अब नीडल को बाहर निकालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये स्प्रिंग को यहाँ पर निकाला है और उस जगह पर थोड़ा सा इस नीडल को मैंने फंसा लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये नीडल फंसी हुई है बिल्कुल। तो ये नीडल को आपने इस तरीके से स्प्रिंग को बाहर निकालना है और नीडल को आपने यहाँ से स्लाइड करते हुए निकालना है। तो ये मैं आपके सामने अभी निकालता हूँ इसको, अगर निकल पाए तो मैं आपको, ये देखें, ये जो है हमारी जो वायर है वो निकल चुकी है। उसके बाद ये हमारे पास स्प्रिंग है और नीचे ये हमारे पास नीडल है, जैसे कि ये स्प्रिंग इसके अंदर था। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आपने नीडल में कौन सी टिप्स हैं, चंद एक टिप्स जो इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो नीडल है, ये जो स्लाइड है, ये कार्बोरेटर के अंदर आपकी प्रेजेंट होती है और ये जो नीडल है आपकी, ये जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू जो है अल्टर जेट और अल्टरेशन जेट्स के अल्टरेशन में क्या होता है। तो ये जो आपकी नीडल होती है, ये जो वाइट कलर की नीडल है, ये आपकी नीडल जाकर नीचे आपके जेट के अंदर चली जाती है और वहाँ पर ये जो है इस तरीके से पेट्रोल को स्टॉप कर लेती है। जब आप प्रेस अप करते हैं तो ये जो आपकी ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड ऊपर जाती है और इस तरीके से ये जो है जेट से बाहर आती है, और जब जेट से बाहर आती है, जेट से पेट्रोल आगे हेड में जाता है और बर्न होता है, और जैसे ही आप रेस छोड़ते हैं तो ये वापस इस तरीके से नीडल नीचे चली जाती है जेट के अंदर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इन साइड से, यह आपके पास अंदर वाली साइड है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा हो तो आगे लॉक है। तो मैं अभी लॉक वगैरह को निकालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपने लॉक में क्या जो है वो आगे आपने सेटिंग्स करनी है। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास जो है नीडल को मैंने वापस पुश किया ऊपर वाली साइड पे, तो ये हमारे पास अंदर से नीडल निकली है और इस तरीके से ये हमारे पास अंदर लॉक निकला है।